तो तुम यहाँ हो। क्रिस, तुम क्या कर रहे हो? मैं तो बस। तुम उसे किस कर रहे थे? नहीं। हाँ। मैंने बस उसे काटा। उसे काटा? हाँ। तुम्हें किसी ने नहीं काटा। जाओ, क्लास के लिए तैयार हो जाओ। हाँ। क्या तुमने उसे सच में काट लिया? हाँ। हमने किस नहीं किया? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ यार। क्या तुम पागल हो? तुमने वादा किया था कि तुम लोगों को नहीं काटोगे, खास तौर पर हमारे क्लास में। तुम देखो, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे लिए वैम्पायरों वाली आदतों के साथ रहना मुश्किल होगा। मुश्किल? तुम बेवकूफ हो, किसी को मत काटो। वो बस थोड़ा सा ही तो काटा था। बेवकूफ। वो फिर से साथ है? केसी और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, कोई प्यार नहीं है। बोल। मैं सबसे थक गई हूँ, मैं उनके बनावटी प्यार से बीमार हो जाऊंगी। तुम्हारी बॉल। ओह ग्रॉस, अब ये पूरा तुम्हारी लार में सना हुआ है। खेल बर्बाद करने के लिए थैंक्स। चलो और खेलते हैं, मुझे इसके पीछे भागना पसंद है। नहीं, मैंने कभी वेयरवॉल्व्स के साथ नहीं खेला है। तुम इतना रूड क्यों हो रही हो? मुझे ये पसंद नहीं। मुझे अकेले रहने की आदत है और मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है, स्पेशली एक वेयरवॉल्व की तो नहीं। यहाँ पर मैं भी अकेला हूँ और मैं जानता हूँ कि कितना मुश्किल होता है ये सब। क्या हम बात कर सकते हैं? बात नहीं, वेयरवॉल्फ और वैम्पायर एक साथ नहीं हो सकते। हाँ तुम गलत हो, तुम अपना मन बदल सकती हो। कोई रास्ता नहीं। बोल। मुझे नहीं पता कैसी के साथ सब ठीक कैसे होगा, हम हमेशा लड़ते ही रहते हैं। मुझे नहीं पता कि तुमसे क्या कहूँ। ओह, उसे ये दे दो। मैंने उसे पिछले हफ्ते तो दिया था। खैर, इसके बारे में क्या कहते हो? डायलन की वजह से लड़ने के बाद मैंने उसे ये भी दिया था यार। अच्छा, मुझे लगता है कि तुमने सच में सब कुछ करने की कोशिश की है। हाय, अनीता। मुझे लगता है मैंने अपना घुटना तोड़ दिया। खून। अरे नहीं, ये नहीं। खून। तुम मुझे डरा रहे हो। क्रिस, नहीं। बैंडेड? क्या? ला, मुझे करने दो। वाह, थैंक्स, तुम बहुत प्यारे हो। फिर से? किसी, मैं बस तुम्हारा ही वेट कर रहा था यार। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं देख रही हूँ कि तुम मेरे बिना यहाँ मजे कर रहे हो। ये क्या है? अनीता के घुटने में चोट लग गई थी, मैं उसकी हेल्प कर रहा था। ये सच है, मैंने सब कुछ देखा। ईवा भी जानती है यहाँ पर क्या हुआ है। मैं उस पर विश्वास नहीं करती, तुमने उससे बात की। केसी शांत हो जाओ यार। नहीं, जाओ अपनी अनीता के साथ मजे करो। केसी चलो भी। इतना पैशन। मैंने पहले क्यों नहीं देखा क्रिस कितना कमाल का है। अनीता, मेरी सबसे अच्छी दोस्त के बॉयफ्रेंड को चुराने के बारे में सोचना भी मत। मैं क्यों? मैंने कुछ नहीं किया। देखो, मैं अपनी नजर तुम पर रखे हुए हूँ। मुझे उससे नफरत है, नफरत है, नफरत है। वो मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? आगे कितनी दूर जाएगी? एरियल, क्या होगा? कुछ नहीं, बस मैंने थोड़ा लहसुन सूंघ लिया है। अरे तुम झूठ ना बोला करो यार, हमें जी बताओ क्या होगा। कुछ नहीं, जाओ केसी से जाके पूछो। क्या तुम अपने एक्स के बारे में सोचने लग गई हो? उसके बारे में बात मत करो। मैं उसे कैसे भूल जाऊं जिसे तुम प्यार करती थी? चुप रहो। तुम फिर से क्यों चिल्ला रही हो? क्योंकि आपका बेटा बेवकूफ है। एरियल स्वीट हार्ट, क्या तुम रो रही हो? नहीं। क्रिस, क्या तुमने एरियल को रुलाया? नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, वो तो याद कर रही थी। चुप रहो, अपने और केसी के बारे में आधे रिश्ते के बारे में चिंता करो, समझे? स्वीट हार्ट, ऐसे नहीं बोलते, तुम्हारे पास एक दिल है, क्रिस और केसी प्यार में हैं। मेरे पास दिल नहीं है, वो बहुत पहले टूट चुका है। वो कहाँ हो सकती है? क्लास जल्दी शुरू हो जाएगा। ये क्या है? तुम क्रिस की बहन हो, है ना? उसके बारे में मुझे कुछ बता सकती हो? तुम मुझसे क्या चाहती हो? अच्छा बताओ, उसे क्या पसंद है? उसके शौक, पसंदीदा रंग, उसे बाहर घूमना पसंद है क्या? तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें मेरे भाई पर क्रश है? हाँ। क्या?
क्या पागल है? मुझे इस बारे में तुरंत केसी को बताने की जरूरत है। मुझे बताओ ना, मुझसे दूर हो जाओ। एंजल, तुम क्यों नहीं चाहती? तुम परेशान कर रही हो, बाहर जाओ और स्कूल के चारों ओर 100 चक्कर लगाओ। स्कूल के चारों ओर 100 चक्कर, ये मुझे पागल कर देते हैं। क्या हुआ एरियल, तुम कैसी हो? उठो। जरूर, ताकि तुम मुझे अपने चांदी के कड़े से जला दो। नो थैंक्स। तुम्हारा परिवार भी चांदी के गहने पहनता है। ये चांदी नहीं है, ये सफेद सोना है। वैसे भी ये जादुई गहने हैं, जिसकी मदद से हम दिन में भी उजाले में बाहर जा सकते हैं। अच्छा, क्या बात है। तो तुम्हारे परिवार में भी जादू है, जैसे वेयरवुल्फ में होता है। खैर, बिल्कुल, वैम्पायर और वेयरवुल्फ इतने भी अलग नहीं है। हाँ, हम काफी एक जैसे हैं। रुको, मैं तुमसे क्यों बात कर रही हूँ? मुझसे बात करना बंद करो। अरे नहीं, मेरा फोन टूट गया। फिर मिलेंगे। ऐसा लगता है मेरा समय आ गया। क्या तुम अकेली हो सुंदर लड़की? नहीं, मैं ड्राइंग कर रही हूँ। मेरी तस्वीर बना रही होंगी। मैं तुम्हारी तस्वीर क्यों बनाऊं? मैं स्कूल का सबसे कूलेस्ट लड़का जो हूँ। लाओ दिखा मुझे। इसे वापस दो। तुम आखिर दिल क्यों बना रही हो, वो भी क्रिस के लिए? तुम्हारा तो ब्रेकअप हो गया था ना? हम अलग नहीं हुए हैं। क्रिस मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करती हूँ। तुम्हें इस बेवकूफ की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए मेरी जान। दूर रहो। केसी, हाय। क्रिस, मुझे माफ कर दो, मैं तुम पर चिल्लाई। तो यार मुझे माफ कर दो, मैं सच्ची में बहुत गलत था। एक तोहफा, मेरी पसंदीदा। शुक्रिया। ये लो, फिर से साले ने बीच में टांग अड़ा दी। वादा करो कि हम कभी नहीं लड़ेंगे, खासकर अनीता की वजह से। मैं प्रॉमिस करता हूँ। एक मिनट। और अनीता और मेरी बराबरी कैसे हो सकती है? ये क्या है? वो तुम्हारे साथ प्यार में है। क्या? यहाँ इवा ने अनीता और तुम्हारी बहन के बीच बातचीत सुनी। ये कैसे हुआ? इस सब में मेरे से क्या लेना देना? वो मेरे से प्यार में पड़ गई, मैं थोड़ी। तुम उसे किसी और से प्यार में पड़ने के लिए हिप्नोटाइज कर सकते थे। तो मैं पागलपन से पक गया हूँ यार। अबे तेरे को सिर्फ मैं ही दिखता हूँ क्या? तुम मुझे अभी भी परेशान कर रहे हो साइको। मैं रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो गया हूँ, मैं बार बार बोल बोल के थक गया हूँ। दफा हो जाओ। अच्छा, तो तुम मन बना ही सकती हो मेरे साथ डेट पे जाने के लिए। बैठ जाओ। मेरा पसंदीदा खाना कहाँ है? बस इतना ही। तुम फिर से मिली, ये जरूर किस्मत से होता है। क्या मैंने साफ नहीं बोला था कि मुझसे मत मिलना? तुम इतना गुस्से में क्यों हो? क्या तुम्हें भूख लग रही है? हाँ, क्रिश ने मेरा लंच फिर से पी लिया। मेरे पास कुछ है जो तुम्हें खुश कर देगा। ये मेरे लिए है फोन? तुम्हारा फोन टूट गया था, इसलिए मैंने तुम्हें गिफ्ट देने का सोचा। कमाल है, मुझे मेरे माता पिता ने भी कभी गिफ्ट नहीं दिया, मुझे हमेशा से खुद ही कमाना पड़ा। पर अब तुम्हारे पास मैं हूँ, अब हम साथ में रह सकते हैं। डिलन, ये सही नहीं है। मैं एक वैम्पायर हूँ और तुम एक वेयरवुल्फ हो। क्या फर्क है अगर हम एक दूसरे के लिए बने हो? और हम बने हैं। यही किस्मत है एरियल। ये बहुत गलत है, लेकिन मैं मना नहीं कर सकती। केसी रुको, मैंने कितनी बार तुम्हें हॉल में दौड़ने से मना किया है। सॉरी मिस किटी, लेकिन मैं जल्दी में हूँ। मैं भी जल्दी में हूँ, मुझे अभी लाइब्रेरी में ये सब ले जाना है। ओह, तुम इसे पकड़ो। लेकिन मिस किटी। पकड़ो इसे, वरना मैं तुम्हें हॉल में दौड़ने की सजा दूंगी। ठीक है। अच्छी बच्ची। मैं इसे सीढ़ियों से नीचे कैसे ले जाऊंगी? वाह, इन तस्वीरों को तो देखो। ये लगा क्यों नहीं? क्या तुम ठीक हो? तुमने मुझे बचाया, थैंक यू। अनीता मुझे माफ कर दो, तुम कैसी हो, चोट तो नहीं लगी? नहीं, क्रिस का शुक्रिया। तो कार्ड को तुमने धक्का दिया था? गलती से, मेरा ध्यान हट गया और ये लुढ़क गया। झूठ मत बोलो, तुम्हारी साथ चलती हो, छुटकारा पाना चाहती हो।
तुम इतनी जालिम कब से हो गई? ये सच में एक गलती थी। चलो अनीता, इससे पहले तुम्हारे साथ कुछ और कांड कर दे। क्रिस! मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा बॉयफ्रेंड एक वेयरवुल्फ है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ कि तुम मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करती थी। अरे तुम्हें भी वैम्पायर ज्यादा पसंद नहीं थे? जब तक मुझे सबसे खूबसूरत वैम्पायर से प्यार नहीं हो गया। क्या क्या तुम दोनों साथ हो? हाँ तो? लेकिन तुम दुश्मन हो क्या? क्रिस को पता है? मैं उसे अभी बताऊंगी। ऐसा मत करो, इस बारे में कोई नहीं जान सकता। हाँ? तुम यहाँ कैसे पहुँची? मैं एक वैम्पायर हूँ। तुम अंदर आई, तुमने अपना काम किया और कुछ नहीं देखा। डिलन और मैं यहाँ पर नहीं थे। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, सिर्फ इसलिए कि तुमने मेरी आंखों में देखा है। डॉन, क्या ये काम किया? क्या तुमने इसे हिप्नोटाइज किया? नहीं, मेरी ताकत चली गई है क्योंकि मैं भूखी हूँ। तो ईवा को काटो। नहीं, मैंने पेरेंट्स को वादा किया है कि मैं लोगों को नहीं काटूंगी। लेकिन बस थोड़ा सा, वरना ये हमारे बारे में सबको बता देगी। जरा देखो तो कितनी टेस्टी है ये। तुम सही हो। क्या ये काफी है? और नहीं तो क्या, मैंने बस थोड़ा सा कहा था। मैंने कुछ खा लिया है, आप काम करो। अरे यहाँ क्या हुआ है? क्रिस ने मुझे छोड़ दिया। चिंता की कोई बात नहीं है, उससे बात करो। नहीं कर सकती, ये सब मेरी गलती है, मैं एक बेवकूफ हूँ। ठीक है, रो मत। क्रिस तुमसे प्यार करता है, तुम्हें बस उसे माफी मांगने की जरूरत है। वो मेरी बात भी नहीं सुनेगा। हाँ वो सुनेगा, चलो प्रैक्टिस करते हैं। हाय क्रिसी, मैं क्रिस हूँ, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। बंद करो ईवा, ये मजाक नहीं है। मैं ईवा नहीं हूँ, मैं क्रिस हूँ, मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ। ईवा, बस ईवा। अब तुम खुश हो? अब तुम क्रिस से जाके बात करो। नहीं, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, वो मेरी बात नहीं सुनेगा। ओ, शायद तुम पर यकीन करे। मैं? हाँ, शायद तुम पर यकीन करेगा, बस उसके घर जाओ और। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं एक वैम्पायर के घर नहीं जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। प्लीज प्लीज चली जाओ ना। अगर तुम डरती हो तो मेरे पास एक चीज है। कैसी स्मेल है ये? वैक। वैम्पायर्स लेसन से डरते हैं, तो वो लोग तुम्हें बिल्कुल नहीं काटेंगे। मैं नहीं जानती। चलो भी मेरी मदद करो, हम दोस्त हैं। ठीक है, मुझे अपनी जैकेट दो। थैंक्स। हेलो, क्या कोई घर में है? मैं इसके लिए क्यों तैयार हुई? ओह, क्या अंधेरा घर है, क्या डरावनी तस्वीर है। ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरा पीछा कर रहे हैं। बेशक हम तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, ताकि तुम कुछ भी चोरी ना करो। आप तस्वीर में बदल सकते हैं? और तुम कौन हो? क्या वेयरवॉल्स ने तुम्हें भेजा है? नहीं, इससे कुत्ते की बू नहीं आ रही। लहसुन, तुम्हें हमारे घर में क्या चाहिए? मुझे क्रिस चाहिए, मैं उससे बात करना चाहती थी। क्या तुम वैम्पायर हंटर हो? क्या तुम हमारे बेटे को किडनैप करना चाहती हो? नहीं, चलो भी, मैं सिर्फ एक लड़की हूँ, एक नॉर्मल लड़की। एक लड़की, अच्छा लगता है। बहुत मजेदार। आप वहाँ क्यों खड़े हैं? चलो हम तुम्हें घर दिखाते हैं। हाँ हाँ, रिलैक्स और इस बदबूदार जैकेट को उतार दो। नहीं, मैंने अपना मन बदल लिया है, मैं शायद अब घर जाऊंगी। क्रिस का क्या? रुको, वो आने वाला है। मैं उसे यहाँ के बजाय स्कूल में देखूंगी।
लोगों को ऐसे डराने में मजा आता है। ये मजेदार है। उसके लिए काफी है, केसी अपने बॉयफ्रेंड से खुद निपट सकती है। तुम्हारे सामने किताबें हैं, तुम्हारा काम उन्हें पढ़ना और एक ऐसे लिखना है। तो क्या हम पिछली बार की तरह खिड़कियां साफ नहीं कर सकते? नहीं, तुम तीनों के लिटरेचर में सबसे खराब ग्रेड्स हैं। ये आखिरी मौका है उन्हें सही करने का, तो अपनी किताबें उठाओ और जाओ। मुझे इन एक्स्ट्रा क्लासेस से नफरत है, मैं किसी पार्टी में जाना चाहती हूँ। तो यहाँ पार्टी करने में क्या दिक्कत है? तुम टीचर और नेट को हिप्नोटाइज कर सकती हो। अच्छा आइडिया है, मैंने ये क्यों नहीं सोचा। मिस किटी। हाँ एरियल। मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। ये कमाल है, मैंने ऐसा पहले क्यों नहीं किया। जरा देखो टीचर कितने खुश हैं। मिस किटी, पार्टी कैसी लग रही है? सुपर। क्या चल रहा है यहाँ पे? आ जाओ भाई। तुम्हारा दिमाग घास चरने गया क्या? क्या तुमने इनका भेजा लाया है? हाँ, क्या ये अच्छा नहीं है? ये मेरा आइडिया था। क्या तुमने इस कुत्ते से दोस्ती करी? उसे ऐसा मत बोलो, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या क्या ये? तुम्हें तो वेयरवॉल्फ से नफरत थी, लेकिन अब तुम इसके साथ रिलेशनशिप में हो? उस पे चिल्लाना बंद करो। हाँ, ये सब तेरी गलती है। रियल क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि तेरे लिए बुरा मैच है? इसी ने तुझे खुद को हिप्नोटाइज कर दिया। किसी ने मुझे कुछ करने को नहीं कहा, लेकिन डिलन अकेला ऐसा बंदा है जो मुझे समझता है। तू इसके साथ कई बार नहीं जा रही, बता रहा हूँ। मैं तुमसे पक गया हूँ। मेरी आँखें। चलो भागो। पागल एंटी वैम्पायर स्प्रे, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। क्रिस, क्या हुआ? मेरी आंखों से पानी आ रहा है और मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। चलो मैं तुम्हें घर ले जाती हूँ। हो गया। थैंक यू। मुझे इस डायलन से बदला लेना ही पड़ेगा। ये बहुत बुरा है कि वैम्पायर और वेयरवुल्फ दोस्त नहीं हो सकते, हालांकि मुझे वैम्पायर ज्यादा पसंद है। रुको, क्या तू इसके बारे में कैसे जानती है? तेरे को किसने बताया? किसी ने नहीं, एक बार एरियल चमगादड़ बन गई और मेरी याददाश्त मिटाना भूल गई। उसके बाद मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ जाना। मुझे तुम्हारी मेमोरी को क्लियर करना पड़ेगा। नहीं नहीं प्लीज नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या तू सच्ची उम्र से प्यार करने लग गई है? हाँ, मुझे वैम्पायर बना दो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज। नहीं, आई एम सॉरी, लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूँ यार। कैसी वैम्पायर बनना चाहती है? डार्लिंग, मुझे नहीं लगता ये कैसी है। कैसी नहीं, क्रिस, ये कौन है? क्या तुमने कैसी के साथ ब्रेकअप कर लिया है? हेलो, मैं अनीता हूँ, क्रिस की नई गर्लफ्रेंड। तुम मेरी गर्लफ्रेंड बिल्कुल भी नहीं हो। चलो मैं तुम्हें दोबारा घर लेके जाऊंगा। स्वीटी, क्या चल रहा है? है कौन ये? मैं सब कुछ बाद में समझाऊंगा, चलो चलते। तुमने मेरे भाई को पागल बनाया। वो इतना बोर क्यों है? लोगों को हिप्नोटाइज मत करो, डायलन कुत्ता है। गॉश, शायद क्रिश सही है, मैं वाकई में बुरा बर्ताव कर रही हूँ। किसे परवाह है कि वो क्या सोचता है, जरूरी तो ये है कि तुम्हें ये पसंद आया। नहीं, ये सब गलत है, मुझे वैम्पायर कोड फॉलो करना होगा और मैंने उसे तुम्हारे लिए तोड़ा है। मुझ पे क्यों चिल्ला रही हो? मैंने तुम्हें ऐसा करने को नहीं कहा। और ये तुम्हारे बारे में नहीं होता तो मैंने ऐसा नहीं सोचा होता। मैं तुम्हारे साथ बाहर क्यों गया? मुझे पता था कि वैम्पायर पागल होते हैं। वेयरवुल्फ पागल है। वेयरवुल्फ वैम्पायर से बेहतर है। ओ बेहतर, रुको अभी दिखाती हूँ। वहाँ बैठो और सोचो कि तुमने क्या किया है। हे रुको, मेरा कॉलर उतारो। भगवान, ईवा अब तक यहाँ होनी चाहिए थी, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ काम कर गया होगा। केसी, फाइनली। अब बताओ मुझे, क्या तुमने क्रिस से बात की? क्रिस से बात?
मैं मुश्किल से वहाँ से जिंदा निकली। क्या मजाक कर रही हो? मैंने कहा था तुमसे उससे बात करना। मुझे क्या करना चाहिए था? उसके माता पिता ने लगभग मुझे खा लिया था। मैंने तुम्हें ये क्यों दिया था? तुम इसे रखो और वहाँ जाओ। हद है, क्या दोस्त है। हा हा। ये कैसी बदबू आ रही है, किसी ने लहसुन खाया क्या? अरे नहीं। कैसी, क्या तू मजाक कर रही है? मैंने नहीं किया। पूछिए क्या चीज है, ये बहुत गलत है कि अनीता को लगभग चोट लगी है और अब तू भी मेरा मजाक उड़ा रही है। कितनी बार मैंने तेरे को लहसुन के बारे में बताया यार। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है ईवा, उसे बताओ। हाँ, केसी ने मुझे दिया ताकि मैं तुम्हारे घर जा सकूं। क्या, तूने मेरे पेरेंट्स का भी पीछा किया? नहीं, मैं तुम्हें कितना भी समझा दूं तुम मुझ पर अभी विश्वास नहीं करोगे। आह केसी, दूसरा बैंडेड लगाओ। माफ करना, चलो दूसरा लगाते हैं। ये क्या है, एक वैम्पायर बाइट? क्रिस, मैंने कुछ नहीं किया, मैं ही वागु नहीं काटूंगा। ये किसने किया होगा? मुझे याद नहीं है। इसका मतलब है किसने तेरी याददाश्त मिटा दी। ये एरियल का बाइट मार्क है, अब मैं उस और उसके वेयरवुल्फ को सबक सिखाऊंगा। उसके वेयरवुल्फ? मुझे बहुत खुशी है कि हम साथ हैं। मैं भी। और वादा करो कि मुझे दोबारा मेरी इजाजत के बगैर कुत्ता नहीं बनाओगी। मैं वादा करती हूँ, लेकिन कॉलर तुमने कैसे उतार दिया? इसे राज रहने दो। ठीक है, कल मिलते हैं। बाय। ये भयानक है, भयानक। यहाँ क्या चल रहा है? वो कैसे कर सकती थी? वो कभी भी ऐसा नहीं करती थी। सही कह रहे हैं जी, और मुझे कुछ और ही बताया गया। ये नया घोटाला क्या है? लो देखो, आ गई ये मुंह उठा के। यहाँ आओ। मम्मी, आप क्या कर रही हैं? तुम क्या कर रही हो? तुम वो हो जिसने ये पता लगाया कि वो किस परिवार से है। तुम उसके साथ बाहर कैसे जा सकती हो? मैं उससे प्यार करती हूँ। क्या? क्या तुम्हारा दिमाग घास चढ़ने गया है? एरियल, शायद तुम समझ नहीं पा रही तुम क्या कर रही हो। जागो। डायलन के साथ दोस्ती की वजह से मैं कैसी के साथ लगभग अलग हो गया था। बंद करो, मुझे पता है कि ये गलत है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। डार्लिंग, समझो कि एक वेयरवुल्फ तुम्हारे लिए अच्छा मैच नहीं है, वो हमारे पूरे परिवार के लिए खतरनाक है। हम तुम्हारे लिए नया बॉयफ्रेंड ढूंढेंगे, एक वैम्पायर या कोई और भी, तुम खुश रहोगी। शायद आप सही हैं। मुझे डलन से अलग हो जाना चाहिए, मुझे माफ कर दो। हेलो डार्लिंग, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम किसी बात से गुस्सा हो? नहीं, लेकिन हमें अलग होना होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? और आज हम डेट पर जाने वाले थे, मैं तुम्हारे लिए फूल लेकर आया हूँ। मुझे फूलों से नफरत है। आखिर बात क्या है? तुम जानती हो कि हमारा प्यार अमर है, तुम मेरी आंखों में देख सकती हो और ये तुम्हें भी महसूस होता है। तुमने ये सब सोचा, मैं ऊब गई थी और अब ये सब खत्म हो गया है। मुझसे दूर रहो और मुझसे बात मत करो, समझे? तुम बोर हो गई? ठीक है, समझ गया, अलविदा। जाओ। मुझे माफ कर दो डिलन, मुझे माफ कर दो। एरियल, मुझे मत छुओ प्लीज। ठीक है, मैं बस पास बैठूंगी। तुम्हें क्या परेशानी है? क्या तुमने फिर से क्रिस से लड़ाई की? वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैंने सब कुछ खुद बर्बाद कर दिया। हाँ, मैंने भी सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन तुम्हारा रिश्ता बचाया जा सकता है, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी। तुम? लेकिन तुम मुझसे नफरत करती हो। मैं तुम्हें पहले जानती नहीं थी, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्रिस, ओ, तुम हो, वो नहीं आ रहा? बेशक वो आ रहा है, वो यहाँ है। केसी, एरियल, क्या है? तूने कहा कि तुम्हारे पेरेंट्स ने हमें फैमिली डिनर के लिए बुलाया? खैर, कैसी भी तो फैमिली है। जाओ, बैठ जाओ। क्रिस, मैंने बहुत कुछ किया है, मैं। केसी, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं समझ गई कि मैं वाकई में गलत थी। हम बहुत लड़े, लेकिन मैं तुम्हारे बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती। मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता।
ये प्यार है, कितने शर्म की बात है कि मुझे ऐसा प्यार कभी नहीं मिलेगा। आहा, तुम अब साथ हो। मुझे क्रिस की गर्लफ्रेंड बनना है और वैम्पायर में बदलना है। उससे दूर हो जाओ। ये तुम्हारी गलती है एरियल, तुमने उन्हें समेट लिया। तुम्हारी गलती है। चली जाओ, तुम पागल हो। तुम्हारी सनलाइट रिंग। अब देखते हैं तुम बाहर उजाले में कैसे जाओगी। वो पागल हो चुकी है। उसे पकड़ो। वो कहाँ भाग गई? हम उसे ढूंढ लेंगे। जल्दी वापस जाओ। जान, हम उसे कैसे ढूंढेंगे? अब हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। मैं उसे ढूंढ लूंगी। नहीं। क्या तुमने उसकी हालत नहीं देखी? अनीता की खोपड़ी खिसक गई है, वो खतरनाक हो गई है। लेकिन तुम अपने कहने के बिना कैसे? अगर वो उन्हें बर्बाद कर दे तो? वो उन्हें बर्बाद नहीं करेगी। अब तेरे को ये कहाँ से मिला? मैंने उन्हें अनीता के साथ देखा और उन्हें ले गया। ये लो। शुक्रिया। हमें लगता है कि हम यहाँ तीसरे पहिए हैं। मुझे लगता है तुम लोगों को बात करनी चाहिए। ओह, मुझे डर है कि तुम्हारे माता पिता कुछ कर ना दे मुझे। वो नहीं करेंगे, लेकिन वो है कहाँ? एक वेयरवुल्फ। डरो मत। मैं नहीं डर रहा। तुम इस कुत्ते को हमारे बीच क्यों लाई हो? तुम अलग होने वाले थे। हम अलग हो गए थे, लेकिन तब मैं समझी कि मुझे आखिरकार अपने जीवन का प्यार मिल गया है और मैं उसे खोने के लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ, हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। हम तुम्हें एक साथ नहीं होने देंगे। हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, समझे? देखती हूँ, कम से कम हमने कोशिश की। तो प्लान बी? हाँ, चलो चलते हैं। दूसरा प्लान क्या है? अगर आप डिलन के खिलाफ है तो हम एक आइलैंड पर भाग जाएंगे और वहाँ पर अपना सुखी जीवन बिताएंगे। बस कोशिश करो। मैं कोशिश नहीं करूँगी, मैं करूँगी। गुड बाय। कर लिया। तुम उसे किस कर रहे थे? नहीं, बस थोड़ा सा काटा। खून। अरे नहीं, ये नहीं। उसे उसे मत काटो। पूरी सिटी आ गई हो का? क्या तुमने उसे हिप्नोटाइज किया? हाँ, ये मजे का था। नेचर क्या? किसी को भी मत काटो। अरे बस थोड़ा सा ही तो काटा। बेवकूफ। हाँ, मैंने सब कुछ देखा, वो तुमसे झूठ बोल रहा था। बेवकूफ। कैसी? चलो उसे मत बुलाओ, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। कैसी? चलो भी। क्या पागलपन है। तुम मुझसे पंगा ले रहे हो, है ना? ऐसे तो 200 टेक से ज्यादा हो जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। ये एक एक्सीडेंट था, मैं भटक गई और ये लुढ़क गया। झूठ मत बोलो। तुम तुमने जानबूझकर किया। झूठ मत बोलो। तुम हमारे प्यार को बर्बाद करना चाहते थे। हाँ, सही कहा। क्या आवाज है? लगता है कोई सच में मेरा खून पी रहा है। मैं खुश हूँ कि हम दोनों साथ हैं। मैं भी। बस वादा करो कि तुम अब मुझे मेरी इजाजत के बगैर बदल दो। मुझे याद नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है कि क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, हम तो डेट पे जाने वाले। अरे मैं तो स्कूल का सबसे कूलेस्ट लड़का जो हूँ।
ये तो बना क्या रही हो? माफ करना। मुझे भी हंसी आ गई, हंसी को कौन रोक सकता है।